बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। अब इन सबके बीच में बच्चन परिवार के यहाँ बड़ी खुशखबरी का जो आगाज हुआ है, इस आगाज पर जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बच्चन परिवार की इस बड़ी खुशखबरी पर अभिषेक बच्चन ने एक ट्वीट किया है, जिससे साफ पता चलता है बिग बी की इस बड़ी उपलब्धि को लेकर पूरा परिवार खुशी में किस तरह से झूम रहा है। बता दे आपको, अभिषेक बच्चन ने इस ट्वीट के जरिए, जिसे आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे, ये साबित कर दिया है कि वो ये जो पुरस्कार घर में आने वाला है बहुत जल्द, इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। बता दें आपको, अभिषेक ने अपने इंस्टा अकाउंट पर बॉम्बे टॉकीज फिल्म का एक वीडियो शेयर किया है। 3 मिनट 36 सेकंड के वीडियो में बॉलीवुड में बिग बी के करियर के अहम किरदारों की झलक शानदार तरीके से दिखाई गई है। इस वीडियो को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करने के साथ ही अभिषेक बच्चन कैप्शन में लिखते हैं, बाप। बता दे आपको, अभिषेक बच्चन द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, रिट्वीट करके लिखा है, बहुत बहुत खुश हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ। बता दें आपको, काफी ज्यादा खुश है पूरा बच्चन परिवार, काफी ज्यादा खुश है अमिताभ बच्चन। गौर हो कि जिस वीडियो के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसमें अमर अकबर एंथोनी, सरकार, शहंशाह, कुली, बंटी बबली, डॉन, खुदा गवाह जैसी सुपरहिट फिल्मों में बिग बी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स को बच्चों के जरिए एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा, यूट्यूब पर जाइए, ये वीडियो देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर हमें बताइए बिग बी की इस बड़ी उपलब्धि पर आपके दिल का क्या कहना है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।